हमने कई बार देखा होगा हमारे आसपास के कुछ लोग अपना काम राइट हैंड से करते हैं तो कुछ लेफ्ट हैंड से करते हैं और थोड़े लोग क्रॉस हैंडेड भी होते हैं, यानी वो लिखना राइट हैंड से करते हैं पर बाकी के काम लेफ्ट हैंड यूज करके करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि लेफ्ट हैंड से खाना या भगवान की पूजा करना अच्छा नहीं होता है, पर क्या आपको इसके पीछे की वजह पता है कि कुछ लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड क्यों यूज करते हैं? तो आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा रीजन बताएंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आज का ही गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं लेफ्ट हैंडेड होने के क्या रीजंस हैं। ऐसा कहते हैं कि जेनेटिक्स रीजन की वजह से कोई बच्चा लेफ्ट या राइट हैंडेड हो सकता है। प्रेगनेंसी के वक्त जब बेबी वॉर्म डेवलप होता रहता है तब उसे दो जीन्स मिलते हैं पेरेंट्स से डी एंड सी। अगर बेबी को डी जीन्स मिलता है दोनों पेरेंट्स से तो बेबी राइट हैंडेड पक्का होता है। बेबी को एक पेरेंट से जीन डी मिलता है और दूसरे पेरेंट से जीन सी मिलता है तो बेबी का राइट हैंडेड होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर बेबी को सी जीन मिलता है दोनों पेरेंट से, लेफ्ट या राइट हैंडेड होने के चांसेस 50-50 होते हैं। तो ये थे कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं उसके रीजंस। आपने ऐसा सुना होगा कि लेफ्ट हैंडेड लोग बहुत ही इंटेलिजेंट जीनियस होते हैं, जैसे कि हम कुछ फेमस लेफ्ट हैंडेड पर्सनालिटीज को जानते हैं, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, बिल गेट्स वगैरह। पर रिसर्च के अनुसार ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि लेफ्ट हैंडेड ही इंटेलिजेंट होते हैं राइट हैंडेड लोगों से। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लेफ्ट हैंडेड पीपल। ऑलमोस्ट सब लोग राइट हैंड से हैंडशेक करते हैं एक दूसरे से, पर लेफ्ट हैंडेड इंसान के हैंडशेक करने जाओ तो वो लेफ्ट हैंड से हैंडशेक करते हैं जो कि ऑकवर्ड लगता है। लेफ्ट हैंडेड लोगों को लेफ्ट हैंड में सीजर पकड़ के कटिंग करना मुश्किल होता है क्योंकि एक लाइन में कट नहीं होता है ठीक से। अगर इंसान लेफ्ट हैंडेड होता है तो उसे कैन ओपनर यूज करना भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि कैन ओपनर स्पेशली राइट हैंडेड लोग यूज कर सकते हैं वैसा ही बनाया गया है। लेफ्ट हैंडर्स को स्पाइरल नोटबुक में लिखना भी जमता नहीं है क्योंकि वो स्पाइरल स्प्रिंग हाथ में लगने लगती है। लेफ्ट हैंडर्स को कंप्यूटर का माउस यूज करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि माउस हमेशा राइट साइड पे ही कनेक्टेड होता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो ऑप्शन है, या तो लेफ्ट हैंड साइड माउस एडजस्ट करें या फिर राइट हैंड से माउस यूज करना ट्राई करने लगे। एडवांटेजेस ऑफ बीइंग लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड लोग स्पोर्ट्स में बहुत ही चैंपियन होते हैं, स्पेशली स्विमिंग, बेसबॉल, टेनिस एंड बॉक्सिंग। दुनिया में 40% टॉप टेनिस प्लेयर लेफ्ट हैंडेड है। रीसेंट स्टडी में ऐसा पता चला है कि लेफ्ट हैंडेड लोग मैथ एंड आर्किटेक्चर में बहुत जीनियस होते हैं। लेफ्ट हैंडेड लोगों की थिंकिंग पावर बहुत फास्ट होती है राइट हैंडेड लोगों से। तो ये थी कुछ जानकारी लेफ्ट हैंडेड लोगों के बारे में। जो लोग लेफ्ट हैंडेड हैं वो इस जानकारी से बहुत खुश होंगे अपने आप पर। और हाँ, इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि लेफ्ट हैंडेड होना अच्छा नहीं है, तो हम आशा करते हैं कि आप ये वीडियो देख के अपनी सोच बदलेंगे। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।